न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। मैनपुरी जनपद में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने थाना परिसर में संभ्रांत लोगों से वार्ता की। उन्होंने लोगों से कहा कि आगामी त्योहारों को प्रेम सौहार्द के साथ मिलकर मनाएं। ये ही हमारे देश की खूबसूरती है कि विविध संस्कृति और परंपरा होते हुए भी सब एक हैं। उन्होंने आए हुए लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी सुना और समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर SDM भोगांव अंजलि, CO संतोष कुमार, SO सुनील भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये भय न लगे कि राह चलते आपको कोई लूट लेगा, आपको ये भय न लगे कि राह हमारी राह चलते बेटियों के साथ छेड़खानी होगी, उनके साथ दुराचार की घटना होगी। हम उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। आप SO साहब के कार्यप्रणाली से संतुष्ट होंगे, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं उस लेवल तक ले जाना चाह रहा हूं कि रात में भी महिलाएं अकेले घूमे तो किसी को साहस न हो सके कि उसके तरफ बुरी नजर से देख। अपेक्षा उस लेवल तक की है कि अपराध शून्य रहना चाहिए, उस लेवल तक की अपेक्षा है। ये और सर आगामी त्योहारों को दृष्टिगत करते हुए अलाउ थाने में ये जो मीटिंग हुई है, सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर क्या उनको अलाउ थाने में आज क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों, पूर्व प्रधानों, संभ्रांत व्यक्तियों के साथ एक गोष्ठी की गई। मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे आगामी जो त्यौहार हैं वो सकुशल संपन्न हो, किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो, सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार हम अपने संपादित करें। साथ ही लोगों से यह भी अपील किया गया कि यातायात के नियमों का पालन करें जिससे कि दुर्घटनाओं से लोग बच सकें। साथ ही क्षेत्र के जो विवाद हैं उसके संबंध में भी लोग बताएं और उसके लिए सार्थक प्रयास करके उनके विवादों का निराकरण कराया जाए। एक ऐसा माहौल तैयार हो जिसमें अपराध के लिए कोई जगह न हो और हम डेवलपमेंट कर सके, इसी उद्देश्य से आज ये मीटिंग हुई। जी सर, अंजन पद्मा में बच्चा चोरी की ये जो अफवाह चल रही है, इस अपने यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, इस पर क्या असर करना चाहेंगे? आपने उठाया कि आजकल इस तरह की अफवाह बहुत चल रहे हैं, तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह की कहीं कोई घटना नहीं हुई है और शंका के आधार पे तमाम निर्दोषों को लोग परेशान कर दे रहे हैं, तो अपने यहाँ ये स्थिति न हो और लोग कोई बात अगर है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। अब कानून अपने हाथ में न लें और हर सूचना को पुलिस तक पहुँचा लें। धन्यवाद।